IPL 2019 की शुरुआत में काफी कम समय बचा हुआ है, लेकिन इस बार के IPL में कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। आज इस वीडियो में दोस्तों चार ऐसे प्लेयर्स के नाम बताने वाला हूं जिन्हें हम मिस करने वाले हैं और जिनकी कमी हमें खलने वाली है इस पूरे IPL के दौरान। तो एंड तक हमेशा की तरह हमारी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं सवाल भी पूछूंगा। और दोस्तों आप भी IPL फैन आर्मी का हिस्सा बन सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, फटाफट इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो जल्दी जल्दी बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नए सब्सक्राइबर बनिए और जल्दी जल्दी फ्री में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं। पहले स्थान पर नंबर वन पर नाम आता है डार्सी शॉट का। पिछले साल राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से खेले थे डार्सी शॉट। हालांकि पिछले साल इनका परफॉर्मेंस बहुत बुरा था, लेकिन अगर करेंटली आप बिग बैश लीग देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि कितने अच्छे फॉर्म में डार्सी शॉट आ चुके हैं। और अगर इतने अच्छे फॉर्म में कोई भी प्लेयर हो और इतना क्लीन हिट कर रहा हो और वो IPL में ना खेले, T20 क्रिकेट में बादशाहत रखता हो बिग बैश जैसी लीग में, तो भाई बहुत बुरा लग सकता है जो भी बिग बैश लीग देख रहा हो। और इसीलिए दोस्तों मुझे लगता है कि इनकी कमी खल सकती है। अगर ये होते तो शायद इस बार ये स्टिंक्ट दे सकते। एक खराब IPL से आप बुरे प्लेयर नहीं बन जाते हैं। दूसरे खिलाड़ी जिसका नाम हमने हमारी इस लिस्ट में रखा है दोस्तों, वो है ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल दोस्तों इस बार का IPL नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप के कारण उन्होंने जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलियन बोर्ड है उन्होंने उन्हें रोक लिया है। मेरे हिसाब से दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल पिछले 3 साल से नहीं चले हैं, लेकिन जब भी वो पिच पर उतरे हैं एक क्यूरियोसिटी लेवल ऑडियंस के मन में हो जाता है, क्योंकि ये भी बहुत क्लीन हिटिंग करते हैं T20 में। और अगर एक दो मैच, 3 मैच, 4 मैच भी चलते हैं तो ये बहुत ज्यादा एंटरटेन करते हैं और इनकी कमी भी बहुत ज्यादा खलने वाली है। दोस्तों तीसरे खिलाड़ी जिसका नाम हमने हमारी लिस्ट में रखा है वो है मिचेल स्टार्क। हालांकि 2015 के बाद से मिचेल स्टार्क IPL में नहीं खेले हैं, लेकिन हर साल किसी ना किसी IPL टीम ने इन्हें लिया है। पहले RCB लेती थी, पिछले साल KKR के साथ थे ये, लेकिन खेल नहीं पाए। हालांकि हर साल इनकी कमी खलती है, क्योंकि एक अच्छा तेज गेंदबाज जो कि पहले डेल स्टेन हुआ करते थे एक जमाने में IPL में, एक IPL के पूरे डायनामिक को बदल सकता है। और अगर मिचेल स्टार्क खेलते हैं, जो कि 2020 के IPL में कंफर्म्ड खेलने वाले हैं, बहुत ज्यादा मजा IPL में आने वाला है। दोस्तों चौथे खिलाड़ी जिसका नाम हमने हमारी इस लिस्ट में रखा है वो है दोस्तों ब्रैंडन मैकलम। ब्रैंडन मैकलम भी दोस्तों अपना पहला IPL सीजन होगा जो वो नहीं खेल रहे हैं। फॉर्म है, एज है, फिटनेस फैक्टर, ये सारे उनके खिलाफ जा रहे हैं। बिग बैश लीग में भी 1-2 अच्छी इनिंग खेली, 3 अच्छी इनिंग खेली, उसके बाद खेल नहीं पाया, संन्यास ले लिया अभी। तो भाई यही दिक्कत इनके साथ भी आ रही थी। मेरे हिसाब से शायद कॉमेंट्रेटर के रूप में ही अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ब्रैंडन मैकलम एक फ्लेम बॉय है, IPL के पोस्टर बॉय है, और इनकी कमी भी जैसा वो रंग दिखता था वो कमी जरूर खलेगी जो बहुत दिनों से IPL खेल रहा देख रहा है उनके लिए। तो भाई ये थे मेरे हिसाब से वो 4 प्लेयर, आपके हिसाब से कौन होंगे कमेंट जरूर कीजिए। और अब आगे चलते हैं दोस्तों आज के सवाल के लिए। तो भाई आज का सवाल यह है कि ब्रैंडन मैकुलम पिछले 3 IPL में 2016, 2017 और 2018 में किस किस टीम की तरफ से खेले थे। अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट कर दीजिए, जो पहले कमेंट करेगा उसे मैं पिन करूंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।